राष्ट्रीय राजमार्ग से उत्पन्न समस्याओं पर ज्ञापन। उज्जैन गरोठ राष्ट्रीय राजमार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर उज्जैन की जनता के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहां तक कि जिन किसानों की जमीनें गई हैं उन्हें बाजार मूल्य का एक चौथाई मुआवजा भी नहीं मिला, उल्टे उन्हें आने जाने में उनकी समस्याएं बढ़ी हैं। न केवल किसान बल्कि आसपास के कॉलोनी वालों और औद्योगिक क्षेत्र वालों को भी परेशानी है। चकोर पार्क से करौंदिया एवं अन्य ग्राम के लिए बने डावर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। मयंक परिसर वालों के लिए जो अंडरपास बना है वह पर्याप्त ऊंचा नहीं है, वहां पानी निकासी में भी दिक्कतें हैं। दोनों ओर सर्विस रोड नहीं मिलने से एक खेत के दो हिस्से होने पर भी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, जिससे किसान एक ओर से दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे। कई पॉइंट पर पुराने नाले बंद कर दिए गए हैं। ऐसी कई और समस्याएं हैं जिससे आने वाले 50 साल तक उज्जैन इन समस्याओं से जूझता रहेगा। पूर्व IAS डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि उन्होंने इन समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को कई पत्र लिखे, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उज्जैन के सभी जनप्रतिनिधियों को भी पत्र लिखकर आगाह किया, परंतु उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अतः आज पीड़ित किसानों एवं राजमार्ग के आसपास की कॉलोनी के पुरुषों एवं महिलाओं ने उज्जैन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी के नेतृत्व में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन दिया। कलेक्टर द्वारा सभी समस्याओं को ध्यान से सुना गया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ML पूर्विया को SDM एवं किसानों के साथ मौका निरीक्षण करने एवं समस्याओं का शीघ्र निदान ढूंढने के निर्देश दिए। ज्ञापन सौंपने में समाज सेवी अजेंद्र त्रिवेदी, ग्राम पटेल, अंतर सिंह अटल, दीपक सिंह पवार, भागीरथ सिंह, मान सिंह, अटल जितेंद्र, बारोट दुलीचंद्र, अजय सिंह, लोकेंद्र गौंड, वीरेंद्र सिंह, अनूप सिंह, राजाराम चौधरी, दुलीचंद्र राजौरिया, राकेश बैरागी, राकेश मालवीय, आकाश लकी खटी, तकत सिंह, राम स्वरूप लक्ष्मण, सुनील मालवीय आदि साथ में रहे। क्या समस्या आपकी, आप आ जाए। पानी आता है ना, निकलने की दिक्कत आती है, गाड़ी घोड़े निकल नहीं पाते हैं, बच्चों नो पानी में मतलब स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है वहाँ पे, तो निकलने की जगह नहीं। और आपकी क्या समस्या है? बार बार वो रोड इतना बेकार है, बार बार गिर जाते हैं वहाँ से, कोई भी संभल नहीं, कोई इतनी बेकार रोड है, किसी से नहीं निकला था, बच्चा तो बच्चा वो बड़े बड़े। आप क्या चाहते हैं? अच्छा रोड बन जाना चाहिए, रोड से थोड़ा चीज चाहिए सर, क्या रोड अच्छा चाहिए हमारे को, तो आने जाने की दिक्कत आ रही है, हमारे को बहुत परेशानी आएगी। सर आज कुछ लोगों मक्सी रोड का, कुछ लोगों ने गरोड़ बाईपास पे कुछ प्रॉब्लम को लेकर आज आपसे चर्चा की है, क्या विषय है सर? गरोड़ की रोड जो NHAI द्वारा बनाई जा रही है उस पे सर्विस रोड को लेकर के, एग्जिट पॉइंट्स को लेकर के कुछ ग्रामीण आए थे, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिस पर कि NH के अधिकारियों से चर्चा की गई है और ये डिसाइड हुआ है कि NH के अधिकारी ग्रामीणों के साथ संयुक्त भ्रमण करेंगे और इनके जो बिंदु हैं उस पर निराकरण करेंगे। क्या समस्या आप लोगों की? देखिए आज उज्जैन गरोठ रोड जो NHAI बना रहा है उसकी समस्या को लेकर आए थे। उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में उन्होंने दोनों साइड सर्विस रोड नहीं दिया, इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई किसानों के एक खेत के दो टुकड़े हो गए हैं, कई जगह अंडरपास छोटे हैं, बड़ी दूरी तक अंडरपास नहीं दिए हैं, लोगों के आसपास पानी भरा रहे हैं। और जो मुख्य बात यह है कि साइड रोड नहीं होने से जो भी अंडरपास दिए हैं उनका उज्जैन में पूरे उपयोग नहीं होगा। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ वासी कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे खेती के काम होते हैं, रेलवे स्टेशन लगा हुआ है और उज्जैन से इस रोड को पार करके लगभग 10-15 बड़े मार्ग जा रहे हैं, तो ये ऐसी परेशानियां हैं। इन परेशानियों को अवगत कराने के लिए कलेक्टर को आज हमने ज्ञापन दिया है। सभी जो आसपास के रहवासी हैं उज्जैन के, उस बाईपास के आसपास के, हाईवे के आसपास के, और जो किसान हैं वो सभी। आज आपने ज्ञापन दिया, अभी क्या आश्वासन मिला आपका? कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो NHAI से जांच कराएंगे, उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI को भी बुलवाया था, समस्याओं से अवगत कराया है और ये कहा है कि मौका देखेंगे और मौका देखने के बाद में निराकरण जो भी हो सकेगा निराकरण कराएंगे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, पूर्व IAS। सर ये समस्या कब से बनी हुई है और कितनी बार आपने शिकायत की हुई है? ये गरोठ रोड का जब से प्लान शुरू हुआ है तब से इन्होंने समतलीकरण किया, तब से ये प्रॉब्लम है। इसमें क्या किया कि इन्होंने पुराने, उस समय पुराने नाले बंद कर दिए थे, तो तब किसानों के खेत में और जो आसपास कॉलोनी है वहाँ पानी घुस गया था, फिर वो उनसे लड़ झगड़ के और हमने नाले चालू करवाए। उसके बाद अभी ये स्थिति है कि इन्होंने सिर्फ 2.5 किलोमीटर धतरावदा से लेके पवासा तक
सर्विस रोड नहीं दिया, बाकी पूरे रोड पर सर्विस रोड है। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं इसकी? कम से कम 8 बार शिकायत कर चुके हैं, या 8, 9, 10वीं बार मिले हैं। जिसमें क्या आश्वासन मिला अभी तक आपको? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम जो अधिकारी हैं बड़े NH को, उनको भेज के और आपकी समस्या को हम निराकरण करवाएंगे। और हमारा यही कहना है कि किसानों की समस्या के साथ में यहाँ पर रहवासियों की भी है, और आने वाले जो औद्योगिक क्षेत्र और जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर अप्रोच ही नहीं है, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ पे ये समस्या रहेगी और आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कत रहेगी किसान। आपका शुभ नाम? अजेंद्र त्रिवेदी।